उत्तर प्रदेश में बीजेपी सरकार ने ये तय किया है कि रामनवमी के मौके पर सभी जो मंदिर हैं वहाँ पर अखंड रामायण का पाठ कराया जाएगा, इसके अलावा दुर्गा सप्तशती का पाठ नवरात्रों में कराया जाएगा। इसको लेकर जो सियासत है वो शुरू हो गई। समाजवादी पार्टी के सांसद एसटी हसन कह रहे हैं कि भाई एक ही धर्म के लिए क्यों, सभी धर्मों के लिए ऐसा होना चाहिए। कांग्रेस इसका विरोध कर रही है, तमाम जो दल है वो कहीं ना कहीं इसका विरोध कर रहा है। हमारे साथ उत्तर प्रदेश सरकार के राज्य मंत्री दानिश अंसारी, उनसे जानेंगे। दानिश जी, सरकार ने जिस तरीके से शुरुआत की, वाल्मीकि जयंती पर ये शुरू हुआ 2 साल पहले, और इस बार भी कहा कि रामनवमी के मौके पर मंदिरों में जो है वो रामचरितमानस का पाठ हो, इसके लिए फंड भी दे रही, पर इसका विरोध शुरू हो गया है। देखिए, हमारे उत्तर प्रदेश में हम सबका साथ सबका विकास की बात करते हैं, और सभी जितनी भी हम जाति धर्म मजहब के लोग हैं सब कोई आगे बढ़े, सबको सब हम उत्तर प्रदेश में होली दीपावली ईद सब भाईचारे के साथ मनाते हैं। योगी सरकार ने सुनिश्चित किया कि हर मजहब के लोग, हर धर्म के लोग पूरी आज़ादी के साथ, पूरी स्वतंत्रता के साथ अपने धार्मिक रिचुअल्स को पूरा करें। आज देखिए, अभी होली का त्यौहार भी था, आने वाले दिनों में हमारा रमजान है, ईद है, इसके बीच में नवरात्र है, तमाम चीज़ें। हमारा जो भारत देश है, हमारा उत्तर प्रदेश, हम हमारे यहाँ ये धार्मिक लोग हैं, और हम अपने तमाम किसी भी जाति धर्म मजहब के लोगों को हम सुरक्षित माहौल देके उनको तरक्की की तरफ आगे ले जाना, ये हमारी सरकार की प्राथमिकता है, और किसी को भी इसमें ऑब्जेक्शन नहीं होना चाहिए। हमने देखिए, अगर लाउडस्पीकर की बात हम करें, कुछ महीनों पहले यही विपक्ष लाउडस्पीकर के मसले पर कितना हो हल्ला मचा रहा था, लेकिन लाउडस्पीकर जब माननीय मुख्यमंत्री जी ने अपील की पूरे प्रदेश भर के, चाहे हमारे हिंदू भाई हो चाहे मुस्लिम भाई हो, सब ने आगे बढ़ के या तो लाउडस्पीकर का वॉल्यूम कम किए या तो अननेसेसरी लाउडस्पीकर हटा दिए। एक सकारात्मक माहौल उत्तर प्रदेश में है, और सबको इस सकारात्मक माहौल बनाने में अपनी सहभागिता देनी चाहिए। आपने बात कही, लेकिन अखिलेश यादव ने जो ट्वीट किया, उन्होंने कहा कि ठीक है 10 लाख नहीं, 10 लाख आप दे रहे हैं, लेकिन 10 करोड़ देना चाहिए, और साथ ही साथ जो मुफ्त सिलेंडर देने की बात की थी वो भी नवरात्र से शुरू करना चाहिए। तो कहीं ना कहीं ट्वीट के जरिए भी घेरने की कोशिश है बीजेपी। देखिए, विपक्ष आज परेशान हताश है, विपक्ष के पास सरकार को घेरने के लिए कोई मुद्दा नहीं है। बेरोजगार विपक्ष ऐसे बेवजह के मुद्दे उठा के जनता का ध्यान भटकाना चाहता है, लेकिन पब्लिक जानती है कि ये केवल उनका पॉलिटिकल स्टंट है, अपना राजनीतिक उल्लू जो है ये विपक्ष सीधा करना चाहता है, और जनता इनके बहकावे में नहीं आने वाली है। आप फ्री सिलेंडर की बात कर रहे हैं, उत्तर प्रदेश में प्रधानमंत्री आवास योजना देख लीजिए, निःशुल्क राशन योजना देख लीजिए, आयुष्मान योजना देख लीजिए, हर योजना का लाभ सीधा आम जनमानस को बिना भेदभाव और बिना भ्रष्टाचार के मिल रहा है, और हर जाति धर्म मजहब के लोगों को मिल रहा है। उसमें हमारे हिंदू भाई भी है, हमारे मुस्लिम भाई भी है, तमाम लोग आज योगी सरकार की नीतियों से लाभ लेके विकास की तरफ आगे बढ़ रहे हैं। एक सवाल यह है कि जिस तरीके से अगर हम बात करें, जो बात आप कह रहे हैं कि तमाम लोग आगे बढ़ रहे हैं, पर विपक्ष बार बार तमाम चीजों को लेकर सवाल खड़े कर रहा है, क्या लग रहा है कि जो तैयारी है बीजेपी को घेरने की? क्योंकि अखिलेश यादव ने कहा कि भाई बसपा का जो टिकट है वो बीजेपी के कार्यालय से तय होता है। देखिए, अब लोकसभा का चुनाव नजदीक है, इसीलिए विपक्ष अब एक्टिव दिख रहा है, इसके पहले विपक्ष कहीं नहीं दिखता था, कहीं भी विपक्ष ने जनता से जुड़े कोई मुद्दे नहीं उठाए। आज योगी सरकार जनता के बीच में रहकर उत्तर प्रदेश के विकास को सुनिश्चित कर रही है, और विपक्ष केवल चुनाव के समय धरातल पे आता है, गलियों में दिखता है, सड़कों में दिखता है, और जैसे चुनाव खत्म होता है वापस विपक्ष के हमारे जो नेता हैं वो वापस अपने एसी के कमरों में चले जाते हैं। लेकिन हमारे उत्तर प्रदेश की भारतीय जनता, देश की भारतीय जनता, हमारे नरेंद्र मोदी जी के मार्गदर्शन में हमारे उत्तर प्रदेश की योगी सरकार साल के 365 दिन हर दिन हम जनता के बीच में रहकर पूरी जवाबदेही के साथ उत्तर प्रदेश के विकास को सुनिश्चित कर रहे हैं, और इस बात का काट विपक्ष के पास नहीं है, इसलिए विपक्ष इस तरीके के बेबुनियाद आरोप लगाता है। लेकिन जनता के दरबार में हम पूरी तरीके से, जनता का विश्वास योगी सरकार मोदी सरकार पे है, इसीलिए 2019 में और 2022 में फिर से केंद्र में हमारी मोदी सरकार, उत्तर प्रदेश में योगी सरकार आई, स्पष्ट दिखाता है कि जनता को हमारे काम पर विश्वास है और विपक्ष केवल झूठ का पुलिंदा है। एक सवाल यह है, जिस तरीके से मदरसों की जांच आजमगढ़ में हुई उसमें खूब गड़बड़ियां निकली फंड को लेकर, खासतौर से उस पर कार्रवाई भी की, अल्पसंख्यक अधिकारी वगैरह को भी सस्पेंड किया गया है। आजमगढ़ में ऐसे कितने मदरसे हैं, पूरे प्रदेश में इतने ऐसे कितने मदरसे जहां पर ये कार्रवाई हो रही? देखिए, ये समझने की जरूरत है कि जो मदरसा शिक्षा है, मदरसों में कौन जाता है? आम मुस्लिम परिवार का बच्चा मदरसों में जाता है, जो हमारा पिछड़ा मुस्लिम है वो मदरसों में जाता है, जो पासमानदा समाज का हमारा मुस्लिम है वो मदरसों में जाता है। तो उसको अच्छी क्वालिटी ऑफ एजुकेशन, अच्छी शिक्षा मिलना, ये उस मुस्लिम नौजवान छात्र का अधिकार है।
और हमारी योगी सरकार मोदी सरकार गंभीरता से हमारे अल्पसंख्यक मुस्लिम समाज के नौजवानों को शिक्षित कर उनको रोजगार से जोड़ना चाहती है। तमाम जगह ऐसे जहां भी शिकायतें आई हमने वहां जांच किया और कहीं भी गड़बड़ी पाई गई तो हमने उस पर सख्त कार्रवाई भी की। हमारे नौजवानों के शिक्षा के साथ खिलवाड़ करने का अधिकार हम किसी को नहीं देते। हमारी योगी सरकार का स्पष्ट संदेश है कि हमारे अल्पसंख्यक समाज के नौजवानों को हमारे प्रधानमंत्री जी के मंशा के अनुरूप एक हाथ में कुरान शरीफ यानी दीनी तालीम, दूसरे हाथ में कंप्यूटर यानी आधुनिक शिक्षा हमें देनी है और पूरी ईमानदारी से अपने इस कर्तव्य का पालन योगी सरकार कर रही है। और जो भी अल्पसंख्यक समाज के अधिकारों के साथ खिलवाड़ करेगा उसके साथ सख्ती से हमारी योगी सरकार निपटेगी। आपने लाभार्थियों की बात की, अब बीजेपी महिला मोर्चा एक सेल्फी विद लाभार्थी अभियान शुरू कर रही है, इसका फायदा मिलेगा 24 के चुनाव में? देखिए, हम जनता के बीच में रह के जनता से जुड़ के समाज के विकास के लिए काम करते हैं। भारतीय जनता पार्टी समाज के अंतिम पायदान पर खड़ा व्यक्ति उसके तरक्की के लिए काम करती है और निश्चित तौर पे जिस तरीके से हमारे महिला सशक्तिकरण के लिए, हमारे नौजवानों को आगे बढ़ाने के लिए, हमारे अल्पसंख्यक समाज को आगे बढ़ाने के लिए, हमारे पसमांदा समाज के अपलिफ्टमेंट के लिए हमारी सरकार ने काम किया है, आज विश्वास इस काम से हमारे सरकार के प्रति है आम जनमानस में। और पूरी हम इसी विश्वास के बल पर आगामी चुनाव में उतरेंगे भी और उत्तर प्रदेश के हर लोकसभा सीट पर कमल भी खिलेगा। आपने सुना क्या कहना है दानिश आजाद अंसारी का, साफ तौर पर कह रहे हैं कि जिस तरीके से सियासत हो रही, दरअसल विपक्ष कहीं ना कहीं बौखलाया हुआ है और प्रदेश सरकार जो है वो सभी को साथ लेकर चल रही है। कैमरा जितेन के साथ अनुभव शुक्ला, एपी गंगा, लखनऊ। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।